फिर फैमिली कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ फैंसी ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ लाई हूँ और ये बहुत ही कम बजट में बने हैं और आगे शादियों का सीज़न स्टार्ट हो रहा है, मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। आपने ड्रेस की फुल लुक तो देख लिया, मैं आपको इसकी ट्रेलिंग बताती हूँ। सबसे पहले ये देखें, मैंने टिश्यू को प्लेट्स डलवा के तो इसकी ना फ्री लगवाई हुई है सारे घेर पे लहंगे के, और ये कुर्ती के साथ का ही ना कपड़ा था उसकी मैंने पट्टी लगवा ली है और साथ लेस लगवाई हुई है। अगर किसी ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। आप इसका घेर देखें, घेर बहुत ज़्यादा है, लहंगे का जितना ज़्यादा घेर हो तो अच्छा लगता है। सब इसके मैं आपको कुर्ती दिखाती हूँ। ये कुर्ती मून लाइट की है, बहुत ज़्यादा चमक धमक वाली थी तो मैंने इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाया, चॉक्स वाली छोटे छोटे चॉक्स वाली मैंने इसकी कुर्ती रखवाई और फुल स्लीव्स हैं। और ये इसका दुपट्टा है, इसके साइड्स पे मैंने चारों साइड्स पे गोटा किनारे वाली लेस लगवाई हुई है। आप चलते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। ये मैंने फुल कलियों वाली ना फ्रॉक सिलवाई थी क्योंकि बच्चियों के ऐसे ड्रेस बहुत अच्छे लगते हैं शादियों में। नीचे मैंने गोटे वाली ये लाइंस दो दो लगवाई थी ब्रिक डोरी की, और सेंटर में ये पट्टी है चौड़ी ना रिबन वाली बनी है गोल्डन कलर की, और इसमें देखे मैंने कलियाँ डलवाई हुई हैं। नेक मैंने बिल्कुल प्लेन रखी थी क्योंकि इसके ऊपर जैकेट आ जानी है, ज़रूरत नहीं थी इसकी। और इसकी ये स्लीव्स हैं, स्लीव्स आप देख लें, इसके ऊपर भी डोरी लगवाई हुई है, ये इसकी जैकेट है। इसके ऊपर ना मैंने खुद नलियाँ और सितारे लेके ना वो लगाए हुए मैंने खुद से, कुछ लोग इनको पाइप भी कहते हैं। आप लोग देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि जब आप कभी बनाएं तो फिर आपको ईजी हो, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने हुक लगा दी थी क्योंकि मैं ना इसको ऊपर से बंद कर देती हूँ। इसकी बैक बिल्कुल प्लेन है और ये देख लें नीचे से गुम सिलाई वाली स्टिच हुई हुई है। अब इसके ट्राउज़र की तरफ जाते हैं, ये बिल्कुल प्लेन है, तंग सा सिला हुआ क्योंकि ये बहुत लॉन्ग फ्रॉक थी, मैक्सी स्टाइल में ही थी तकरीबन ये, तो ये बिल्कुल प्लेन था। उसके बाद आते हैं अगले ड्रेस की तरफ। ये फ्रॉक है, ये फ्रॉक अम्ब्रेला शेप में बनी है लेकिन इसकी पेटी नहीं है, ये फुल सीधी अम्ब्रेला शेप में ऊपर से ही आ रही है। और ये मैंने मार्केट से कढ़ाई निकलवाई थी तिल्ले की, और इसके ऊपर मैंने ये बीड्स का चेन वाली नग जो होते हैं वो इसका मैंने खुद काम किया है, और पूरी फ्रॉक पे भी मैंने ना ये स्प्रे किया हुआ है इसका नग का, और ये बीड्स हैं और ये इसके स्लीव्स हैं। स्क्रीन शॉट ले लें अगर किसी ने लेना है तो। और इसका भी बिल्कुल प्लेन जामावार में ट्राउज़र, और ये इसका ऑर्गेन्जा में ही दुपट्टा था। कंट्रास्ट दुपट्टा इसलिए था क्योंकि इसके ऊपर ना इसके जो नेक पे डिज़ाइन है उसके ऊपर पर्पल कलर के बड़े वाले स्टोन लगे हुए हैं, तो उसके साथ कंट्रास्ट क्योंकि ड्रेस लाइट था तो मैंने सोचा कि दुपट्टा थोड़ा सा डार्क होना चाहिए। अब चलते हैं अगले ड्रेस की तरफ। ये मैंने फ्रॉक सिलवाई हुई है ऑर्गेन्जा की, और ये अम्ब्रेला शेप में फ्रॉक है, ये ऑर्गेन्जा मैंने ली थी, और ये फ्रिल्स वाली सिलवाई है। ये देखें, एक सादे कपड़े की और दो ऑर्गेन्जा की फ्रिल्स लगवाई हुई है इसकी मैंने, और नीचे तार वाली पीको करवाई ताकि ये थोड़ी फुली फुली रहे। और इसके नीचे मैंने कैनकन भी लैदर से सिलवाई हुई है, वो जब ये हरीम पहनती है ना बड़ी प्यारी लुक आती है। ये जो ऊपर कपड़ा है ये वाला मून लाइट है, और इसके ऊपर बटरफ्लाई बनी हुई है, ये बड़े ईजी मार्केट में मिल जाता है, और ऊपर से बिल्कुल ये प्लेन है, कोई डिज़ाइन ही नहीं क्योंकि मैं तो चाह रही थी थोड़ी ना रिसेंट सी लुक आए इसमें। इसके साथ मैंने टाइट्स लिया है मार्केट से ही, सेम कलर का मिल गया था, बड़ा इजी। ओके जी, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।